everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world with the light coming. So next day morning है, सब लोग उठ चुके हैं. तो आज का प्लान ऐसा है कि केव्स वगैरह घूमने का प्लान है या फिर ट्रैक का प्लान है. लेकिन सब सोए हुए हैं यहाँ पे. संकेत सोया हुआ है, कुणाल सोया हुआ है, लेकिन बाकी सब उठ चुके हैं. तो अभी नाश्ता वगैरह का देखते हैं हम लोग कैसा क्या है. और वो दो जन देखो उधर चाय पीने को जा रहे हैं. तो हम लोग भी हाय करिए. तो हम लोग भी देखते हैं खाने का या नाश्ते का कैसा होता है. और वैसा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इधर आने का है तो कैसा क्या करो. और जितना कॉस्ट कट होता है हमसे आपका, उससे थोड़ा कम कॉस्ट कट होगा. तो यहाँ पे हमारा चल रहा है व्लॉग. यहाँ पे कुणाल थोड़ा रुट चुके हैं. ओम इगले थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं. और अथर्व यहाँ पे अभी ज्वाइन किए हैं हमें. अथर्व हमें अभी अभी ज्वाइन किए हैं. ये हमारा किसका था वो K18 Gaming का. तो यहाँ पे देखिए किस महाशय का व्लॉग. इसका लगता है 500 से 600 सब्सक्राइबर्स है. तो ये देख सकते हो आप. तो बहुत मजा आ रहा है ये सब वीडियो देख के हमें. तो वाओ क्या वीडियो है ये. इसे तो कम से कम 10 मिलियन व्यूज होने मांगते हैं. लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो. लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिखे तो आपको सब्सक्राइब करना है. ये आप अपने फिक्स कर लो. तरीका है भीख मांगने का. तो बेसिकली अभी हम लोग इम्पोस्टर जैसा गेम खेल रहे. कौन सा गेम का नाम क्या था? माफिया गेम खेल रहे. हुसैन का आइडिया था. हुसैन बताएगा कैसा क्या रहता है गेम. मैं बता हुसैन जल्दी क्या. माफिया सब लोगों ने खेला ही रहेगा. एक चोर रहता है, एक पुलिस रहता है, एक डॉक्टर रहता है और एक नरेटर रहता है. ठीक है भाई. माफिया चोर सबने अमोंग अस खेला रहेगा. माफिया बेसिकली उसका रियल लाइफ वर्जन है. सेम अमोंग अस में कैसे इम्पोस्टर रहता है, यहाँ पे भी इम्पोस्टर रहता है. यहाँ पे सर गेम नाइट्स और डेज के साइकिल्स में चलता है. नरेटर रहता है, वो गेम का पूरा फ्लो बिल्ड करता है. और इसमें एक्स्ट्रा अभी अमोंग अस में भी जैसे दो नए रोल्स हैं. एक है गार्डियन एंजल, तो वो कैसे लोगों को बचा सकता है. तो इसमें एक डॉक्टर है वैसे जो किसी को भी एजेंट को बचा सकता है ग्राउंड के लिए. एक पुलिस वाला जो किसी के बारे में भी जान सकते हैं कॉल करके कि हाँ भाई ये रहेगा. तो ठीक है, इसमें हम एक दूसरे के रोल्स नहीं बता सकते चोर चिट्ठी ऐसा कि भाई मैं कौन है. माफिया का रोल है उसको हर एक राउंड में सबको एलिमिनेट करना है. पुलिस वाले का रोल है सब जानने का. अगर उसको समझ गया कि माफिया है तो उसको ये वोट टाइम पे अपना एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रख के सबको कन्विंस करना है कि भाई ये माफिया, इसको वोट आउट करो. वैसे ही गेम है. और आप सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे कर पाओगे आप, वो हिसाब से पूरा गेम है ये. तो संकेत ने अच्छा खेला ये. और हमारे ब्लॉग में आ चुके हैं संकेत. ये बहुत टाइम से नहीं आ रहे थे. तो भाई इधर है अपने सब पब्लिक और अभी जा रही है. ये देखिए एक कार्ड का गेम भाई. Approximately 10 hours later. So guys, बारबेक्यू का सीन हो गया था. जो कोल था वो ऊपर लगाना था, लेकिन हम लोग सब लोग ने कोल नीचे डाल के रखा था. तो ओनर को फोन किया तो उसने बोला कि कोल जो है वो शीट के ऊपर डालने का रहता है. तो अभी इस कोल हम लोग ने एकदम मस्त बहुत मशक्कत के टाइम एफ हो गया था. तो अभी सीन चालू है. ये देखो ये अपना होम है द बारबेक्यू एक्सपर्ट. और ये जो मेन काम है, सबसे मेन काम भाई खाना खिलाने का, वो हमारे HM वाले भाई ने कराया है. खाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भाई, आपने कोल जलाया. फैमिली फ्रेंडली कॉन्ट्रैक्ट. हाँ आपने कोल जलाया, वो बहुत इम्पोर्टेंट था ही. आपने भी तो मदद की सीनियर में. सबने मदद की, सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन पेट में जाएगा. सबके अपने अपने. तो ये देखो संकेत थोड़ा खाता कम है हमारा भाई, हंस रहा है बस. मैं बचाता है इनके लिए. ये बचाता है. भाई अभी अपन खाते हैं, थोड़े टाइम में बन जाएगा. ये देखो सक्या भाई मदद कर रहा है. सक्या भाई फुल चल.
तो बेसिकली अभी बज रहे हैं रात के 12 और अभी सब लोग सोने जा रहे हैं। मतलब कल सुबह के 11 बजे चेकआउट है तो सब लोग थक चुके हैं। मतलब पूल वगैरह में जाके सब लोग थक चुके हैं यहाँ पे। और पीछे हमारे कौन छुप रहा है? तो ये छोटा सा चूहा हमारे पीछे छुप रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये विला में? आप उनसे बोल सकते हो कैसा था, बताइए एक्सपीरियंस। थोड़ा जोर से बोलो और फटाक से फटाफट बोलो। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था टू समिट अप। थोड़ा डिटेल डिटेल में। मतलब बहुत मजा आया, पूरा सर्विस वगैरह अच्छा था, बंदा अच्छा है भाई विला वाला, एंड सब सही से चल रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। और हमने भी अच्छे से किया, अच्छे मतलब मस्त था। मतलब एक्सपीरियंस मस्त था। क्या दिखा रहा है? हाँ भाई इसको फॉलो करो SR मैक्सवा। अपूर्व कैसा था? मस्त था ब्रो, मस्त था ना। फुल हाया तो ये है हमारे अथर्व गोलनकर भाई। ये भाई अपने साथ फर्स्ट से सेवेंथ तक थे लेकिन ये भाई कुछ रीजन से अपने को छोड़ के चले गए थे। लेकिन बोलते हैं ना ये दुनिया बहुत छोटी है, कहीं से भी हम मिले हम मिल सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन हम छोटे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अतर वो कैसा था? बहुत अच्छा था ब्रो, बहुत अच्छा था। तो हमारे साथ यहाँ पे कुणाल भाई। कुणाल भाई कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया। आपको कुछ ऐसा लगा कि हमने आपके लिए कुछ ऐसा थोड़ा छोड़ दिया या फिर आपने कुछ मिस किया, आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं, आप सब मेरे अच्छे दोस्त है। मैं तो बोला भी था कि हम लोग पूल में नहीं उतर रहे थे तुम लोग के लिए, लेकिन हम लोग ने थोड़ा ये किया। अरे हम लोग उतर गए थे पूल में क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया था ये लोग को। तो भाई कल होगा 12 बजे या 11 बजे चेकआउट, तो थोड़ा मिस करेंगे इस विला को। लेकिन डोंट वरी, हम लोग कम से कम 7-8 साल में ये विला खरीद लेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लाके इस विला को खरीदने वाले और ये ऐसा हम लोग ने सोचा है अभी। तो होपफुली ये हो जाना चाहिए आपकी कृपा से। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये विला मैं खरीदूंगा। ज्यादा हो गया ये अर्ज की बातों का यकीन मत करो, बहुत उलावल मारते हैं बहुत। बड़े होने चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अमेजिंग सुबह है आज की। आज की है थर्ड डे की सुबह। तो आज इस ब्यूटीफुल विला को बाय करने का समय आ चुका है। मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस इतना मस्त था ना, मतलब दो दिन का मतलब जो भी पैसा था इस विला का रेंट था, मतलब हम लोग का तो 11,000 लिया वीकडेज को। तो बहुत ही अमेजिंग था मेरे को तो, मतलब फर्स्ट टाइम था ये मेरा तो। बहुत मतलब बहुत गंदा वाला एंजॉय किया हम लोग ने सब लोग ने। और यहाँ पे देखो व्यू भी एकदम कड़क आता है, मतलब सुबह सुबह उठ के यहाँ पे व्यू बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आज 11 बजे का चेकआउट है तो सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं निकलने को। और 4 बजे का ट्रेन है क्योंकि ट्रेन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है लोनावला में। तो अभी हम लोग निकलेंगे तो देख। सो कल रात को हम लोग यहाँ पे बैठ के भाई माफिया गेम खेल रहे थे जो हुसैन ने बोला अपने को। तो यहाँ पे मतलब इतना को मतलब बहुत ठंडी था। मतलब अब भी ये सीज़न मतलब सीज़न तो समर सीज़न ही चालू है बट लोनावला के साइड हिल स्टेशन पे ना तो यहाँ पे गर्मी इतना नहीं पड़ता है। मतलब रात को भी 23 डिग्रीज था, मतलब एसी लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा हम लोग को सब लोग को। हम लोगों ने सोचा था कि भाई गर्मी है भाई फुल लग्जरी एसी रूम का मज़े लेंगे एसी का, लेकिन वो हुआ नहीं कुछ क्योंकि इतना ठंडी था ना भाई, मजबूत ठंडी था। मतलब मैं तो सोचा था कि भाई मेरे को ठंडी पसंद है भाई, लेकिन ऐसा ठंडी मिल जाएगा क्लाइमेट का ही ठंडी मिल जाएगा उसका नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा हो गया और एसी का थोड़ा पैसा अपन ये नहीं यूज़ नहीं कर पाए ठीक से,
तो वो पॉइंट हो गया एक, एक पॉइंट अपन यहाँ पे नोट करते हैं। और बाकी तो विला बहुत सेक्सी था भाई। मैं सोचा था कि आज भी अपन पूल में जाएंगे, लेकिन उतना टाइम है नहीं अपने पास, क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30 और अपने को 11 बजे चेकआउट करने का है, तो वो एक माइनस पॉइंट हो गया अपना। चलो करते हैं, और अब अपन निकलते हैं स्टेशन के लिए, मालावली स्टेशन जाते हैं यहाँ से। तो चलो बाय। सो हियर वी आर, सब लोग जा रहे हैं, अभी 11 बजे का चेकआउट है, अभी बज रहा है 10:50, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो भाई सब लोग अपना अपना सामान ले लो, नहीं तो बाद में वापस आने को मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा बुकिंग है इसके बाद। ये मैगी बच चुकी है, तो मैगी अपना अपूर्व लेके जाने वाला है। अपन निकलते हैं यहाँ से और आपको मिलते हैं मालवली स्टेशन पर। मालवली स्टेशन पर ब्लॉग ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हाँ बस हो गया, व्लॉगिंग बस हो गया, मतलब एक हद तक व्लॉगिंग बस हो जाता है, थोड़ा एंजॉयमेंट भी करना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग फोटो वगैरह निकालेंगे और चलो बाय। तो भाई निकल रहे अभी यहाँ से, व्लॉग इज मस्ट, बीप हो जाता है वो। तो निकल रहे अभी सब लोग यहाँ से, देखो बहुत मज़ा आया, ये बहुत सैड मोमेंट है, कम से कम 7-8 दिन रहना चाहिए था। तो अंकल गए, अंकल अंकल चला बाय, चलो बाय अंकल, तो चलो बाय सब लोग बाय। ओम इधर से रहते आज, ठीक है, ओम इधर ही रह रहे अंकल, ओम को रख लो, केयर टेकर बन के रह रहे भाई, थोड़ा हमाली कर लेगा, शेयर करना। हां लेट्स गो बॉयज, लोनावला इज ओवर, लोनावला इज ऑफ, आप लोनावला इज ऑफ, आप डायरेक्ट कश्मीर बनाएंगे। बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग, दिस बॉम्बे सेंट्रल इज नेक्स्ट टाइम इज गेट लक इज द नेक्स्ट टाइम इज। So, लड़ाक जाएगा अभी बाइक पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब, एंड दिस इज माय फ्रेंड, प्लीज टॉक समथिंग। ओ माय फ्रेंड गणेशा, डोंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, 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 ओके बाय। सो वी आर नाउ लिविंग, so guys this is our channel, please like share and subscribe to our channel, and we really have Om Ingre, the topper of Sri Mali Mandir High School. So he was one of the favorite of all the teachers.